हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, पेपर लीक मामले को लेकर एक फिर से बड़ा खुलासा यहां पर हो चुका है, क्योंकि SGPGI के अंदर यहां पर जो सेंटरों पर धांधली की गई और उस धांधली को लेकर उम्मीदवार अभी तक कसमकस में हैं कि क्या पेपर लीक मामले को लेकर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा जल्द या नहीं। ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कई उम्मीदवारों का अगर लगातार कॉमन कमेंट आप सभी को दो यहाँ पर देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे कि पेपर की जो परिणामे हैं वो जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए, और दूसरी जो यहाँ पर जो आप सभी कमेंट देखने पड़ेंगे कि इन सभियों की जो परिणामे हैं वो यहाँ पर जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए। यानी कि एक कमेंट आप सभी के पॉजिटिव वे में और एक कमेंट आप सभी के नेगेटिव वे में देखने को मिल रही है। पर दोस्तों, आज की जो अपडेट आ रही है कि परिणामों को लेकर क्या यहाँ पर जो है SGPGI के अधिकारियों द्वारा क्या बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, और सारे जितने भी पेपर लीक मामले को लेकर जितने भी आरोपित हैं वो सारे गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर कार्रवाई भी चल रही है। पर सवाल यह है कि अब कितना टाइम उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ेगा इन सभी प्रक्रियाओं को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट आ रही है, तो अब यह सवाल यह बन रहा है कि पेपर लीक को लेकर क्या बड़ा एक्शन हो सकता है अधिकारियों द्वारा या परिणामों को लेकर। तो क्या जागरण जोश की जो है अपडेट है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि जागरण जोश की तरफ से आप सभी पेपर लीक मामले को लेकर जो अपडेट आया है, जो नई लेटेस्ट अपडेट है वो मेंशन की गई है, और साथ ही DV को लेकर जो अधिकारियों द्वारा है, जो कार्यालय द्वारा है, क्या बड़ा एक्शन लिया जा सकता है इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस दिन के पेपर लीक हुए थे उस दिन के पेपर लीक के ही परिणामों को रोका गया है। अगर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखें तो कई सारे दिनों के जो रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, पर जो है बाकी परिणामे हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इसको लेकर क्या नई रणनीतियाँ यहाँ पर अधिकारियों द्वारा अपनाई जा सकती है, वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इसका लिंक आप सभी को यहाँ पर जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस पूरी नोटिफिकेशन की अपडेट पा सकते हैं। शॉर्ट नोटिस के अंदर मैं आपको पूरी विवरण यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देख लेना है कि यह जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर देखते हैं कि 24 अगस्त 2024 को यहाँ पर जो है यह पब्लिश किया गया था। यहाँ पर जो है जागरण जोश के अंदर यहाँ पर जो है अब पब्लिश किया गया था। तो इसके अंदर यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि जो लखनऊ की जो न्यूज़ थी, इसे बताया जा रहा है कि नर्सिंग एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर, पर्चा लीक मामले को लेकर 15वां यहाँ पर जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है जितने भी इनसे संबंधित हैं, जिसमें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर पेपर लीक मामले को लेकर एक और आरोपी को यहाँ पर जो है तलगांव गांव से STF की यहाँ पर जो है संगठन टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर दोस्तों गिरफ्तार करने के लिए 25,000 का इनाम रखा गया था। यहाँ पर जो है उन इनाम के चक्कर में यहाँ पर वो जो है गिरफ्तार हो पाया, जिसमें कि यहाँ रविकांत के दौरान केंद्र के आसपास जो है वहाँ पर वो पाए जा रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर उनकी जो मुख्य भूमिका थी पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ पर कर रही थी, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। तो ये भूमिका कैसे निभाई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर दो हाईलाइटेड किए गए हैं कि यहाँ पर हाईवे के पास, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है आरोपियों पर 25,000 का इनाम रखा गया था, जिसमें कि यहाँ पर देखते हैं कि सीतापुर के अंदर यहाँ पर जो है जो ये कॉलेज के अंदर यहाँ पर जो एग्ज़ाम कराया गया था 16 जुलाई को, जो आयोजित परीक्षा कराई गई थी, इसमें बताया जाएगा पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ पर जो है तलगांव में STF की टीम के द्वारा उनकी गिरफ्तार गई। इस यहाँ पर जो है 15वें को जेल में यहाँ पर जो है प्रयत्त कर दिया गया है, और यहाँ पर जो गांव के रवि वर्मा थे जिनके ये यहाँ पर गिरफ्तारी की गई थी, उन पर 25,000 का इनाम रखा गया था। अगर उसी के नीचे आते हैं तो यहाँ पर रहते हैं कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तरफ से यहाँ पर जो है कि नर्सिंग ऑफिसर पेपर लीक को लेकर यहाँ अभ्यर्थियों की नकल करवाई गई थी, यहाँ पर हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जितने की जो मेन मूव बताई जा रही है, पेपर लीक को निभाया गया यहाँ पर जो है अहम भूमिका बताया जा रहा है। रविकांत परीक्षा के दौरान केंद्र के आसपास उपस्थित थे, उन्होंने परीक्षा के आयोजित कंपनियों के अधिकारियों से पर्चा लीक करवाने को लेकर यह हल करवाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद
उन प्रश्न के यहाँ पर जो है पुस्तक के अभ्यर्थियों को बांटे गए थे। रविकांत यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट के दौरान आयोजित परीक्षा कंपनियों से के बीच संगठन की भूमिका निभाई है। इसमें केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर जो है ऑफ या फार्मिस्ट के केंद्र में यहाँ पर जो है केंद्र में बनवाया गया था इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ देखेंगे तो 2016 के अंदर भी उनकी भूमिका यहाँ पर लखनऊ के अंदर यहाँ पर की गई थी, तो फिर से एक बार किया गया। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों जो है अब जो सारा स्पष्टी है वो निर्णय हो चुका है। अगर अब बात करें तो SDPGI की जो टीम है या रिक्रूटमेंट बोर्ड है या अधिकारियों हैं, अब उनको इसके अंदर फैसला लेना है कि क्या होगा। तो दोस्तों फैसले की अगर बात करें तो सीधा सीधा स्पष्ट आप ये कह सकते हैं कि पेपर पूरे तरह से कैंसिल करने की बहुत ही कम संभावना है, यानी कि दोस्तों 2% संभावना आप रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेंटरों पर उन जाँच करवाई गई, उन सेंटरों पर कोई भी धांधली नहीं पाई गई, सिर्फ सीतापुर के ही सेंटर में जो है धांधली पाई गई। तो यहाँ पर उन उम्मीदवारों को थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि अगर बाकी सब प्रक्रियाओं की बात करें जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिनके परिणामे आ रही हैं, वो सारे जो परिणामे हैं वो सितंबर तक उनकी DV डेट कन्फर्म हो जाएगी। पर इन अभ्यर्थियों को काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि सितंबर के बाद उन्हें अक्टूबर तक में यह निर्णय स्पष्ट देखने को मिले, या अक्टूबर के लास्ट तक जो है आप सभी को अपनी DV की डेट देखने को मिले। तो एग्ज़ाम यहाँ पर जो है पूरी तरह से कैंसिल नहीं की जाएगी। जिस सेंटर पर धांधली की गई है उस सेंटर के पूरे एग्ज़ाम को रद्द करेगी SDPGI की टीम, और फिर से नर्सिंग ऑफिसर की नई एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, और कंडक्ट कराने के बाद ही जो पूरे पैटर्न है, जो पूरे परिणामे हैं, फिर उसके बाद पूरे परिणामों को वहाँ पर वो रिलीज़ करेगी। यानी कि उम्मीदवारों को इस छोटी सी धांधली के अंदर यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय का इस वैकेंसी के अंदर इंतज़ार करना पड़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप सभी को शेयर कर दिया गया है, पर आपके तरफ से क्या हो सकती है उनकी रणनीति आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या रिज़ल्ट पहले जारी करेगा या उनके सेंटर पर एग्ज़ाम कराकर उनके अलग से रिज़ल्ट जारी करेंगे। अपने जो है सुझाव जरूर करिए, टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हर समय आप सभी को हमारे टेलीग्राम के माध्यम से छोटी मोटी जो न्यूज़ है लगातार आते रहती है, तो वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट होते रहती हैं। तो इसके लिए दोस्तों अभी तक ये अपडेट थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। इसके रिगार्डिंग अगर हमारे पास और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो उसको भी आप तक जरूर साझा किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।